जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ECC फैमिली में। ECC फैमिली Instagram, Telegram तथा WhatsApp चैनल में भी उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। इवन क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथा जरूरी खबरें आपको ECC फैमिली पेज पे ही मिल जाएंगी, चाहे Instagram, Telegram चैनल, व्हाट्सएप चैनल तथा यूट्यूब चैनल, इन सभी में से किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म में आपको सही और सटीक जानकारी मिल जाएगी। एक जगह जुड़िए और सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पाइए। तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे, बुक्स के बारे में बात करेंगे, बुक्स लें या ना लें। तो देखिए, ये जो वीडियो है वो ज़्यादातर न्यूली ECC स्टूडेंट के लिए है, जिन लोगों ने सेशन 2023-24 में BA, BSc, BCom एंड BCA में ECC में एडमिशन्स लिया है। तो सभी नव प्रवेशी छात्र एवं छात्राओं, उम्मीद है आप सभी लोग स्टडी के लिए अब क्लासेस ज्वाइन कर लिए होंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर बुक लें या ना लें। देखिए, आपकी इच्छा है, आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं मत ले, नहीं लीजिए। देखिए, मेरा कहना ये है कि अगर आप लोगों को लाइब्रेरी से बुक मिल जा रही है और आप लोग पढ़ ले रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है बुक्स लेने की। और आपको सेमेस्टर एग्जाम्स होने हैं, एक सेमेस्टर के लिए आप बुक ले रहे हैं, ये कोई अच्छी बात भी नहीं होती है। जनरली क्या होता है कि इतनी महंगी बुक्स आती हैं और फिर उसके बाद काम लगना नहीं है आपको। तो अगर आपका काम लाइब्रेरी से चल जा रहा है तो आप ले लीजिए, ओ लाइब्रेरी से, और मार्केट से मत खरीदिए। यदि आपका काम नहीं हो रहा है और लाइब्रेरी से बुक भी नहीं मिल रही है, तब आप आर कन्या चौराहे के पास ओल्ड बुक स्टोर भी है, आप वहाँ से ओल्ड बुक भी ले सकते हैं और न्यू बुक आप लेना चाहें तो न्यू बुक भी ले सकते हैं। तो ये तो हुई आपकी बुक की बात। अब आप लोगों को क्वेश्चन है, भैया राइटर बता दीजिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आपको सारी चीज़ें गूगल से मिल जा रही हैं आर्ट स्टूडेंट के लिए, साइंस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आर्ट स्टूडेंट के लिए गूगल में सारी चीज़ें लगभग लगभग मिल जाते हैं जो भी टॉपिक्स हैं। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, बुक्स की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप लोगों के अब कॉलेजेस में आ गए हैं, अब आप स्कूल्स में नहीं है कि आप लोगों को बुक लेकर ही जाना है। तो कोशिश करिए, अगर गूगल से और यूट्यूब से सारी चीज़ें मिल जा रही हैं टॉपिक्स, तो मत लीजिए। फिर अगर नहीं मिल रही है तो आप लीजिए, बिल्कुल बेशक लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स हैं आपको देने हैं। ठीक है, तो ये थी बुक लें या ना लें इसकी बात। अब हम बात करेंगे ECC की जो लाइब्रेरी है उसमें से आप बुक्स कैसे लेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं इविंग क्रिश्चियन कॉलेज लाइब्रेरी से बुक कैसे इशू होगी। तो देखिए, उसके लिए आपको अपने गूगल के प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर में आप अपने फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और एडलिब करके आप सर्च करेंगे, आपके पास आ जाएगा इविंग क्रिश्चियन कॉलेज का लाइब्रेरी ऐप। ऑनलाइन बुक इशू होती है इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में, तो आप इविंग क्रिश्चियन कॉलेज का लाइब्रेरी ऐप डाउनलोड करेंगे। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज का लोगो लगा होगा और नीचे आपका लिखा होगा यूजर नेम और उसके नीचे लिखा होगा पासवर्ड। देखिए, आप लोगों को यूजर नेम में जो सबमिट करना है वो आपका इनरोलमेंट नंबर सबमिट करना होगा, जो आपकी फीस रिसिप्ट में होगा। ECC जैसे 1 2 3 4 ऐसे होगा आपका, वो आपका यूजर नेम होगा। अब बात आती है पासवर्ड की। देखिए, पासवर्ड में आप जो आपने स्टूडेंट पोर्टल पर लॉग इन किया है, स्टूडेंट पोर्टल पर जो नंबर आपने डाला है वही नंबर आपको यहाँ पर डालना है और लॉग इन कर देना है। जैसे आप अपना इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए, यहाँ पर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में। अगर आप बुक इशू कराते हैं लाइब्रेरी से, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। देखिए, आप एक बुक को 15 डेज तक ही होल्ड पर रख सकते हैं, उसके बाद अगर आप रखते हैं तो आपको 1 रुपीज का फाइन लगता है, जो कि पर डे होता है। अगर आप एक दिन लेंगे तो एक्स्ट्रा एक दिन होगा तो आपका 1 रुपये, 2 दिन एक्स्ट्रा होगा तो 2 रुपये, ऐसे होता है। अगर व्हाइल रिसीविंग चेक लाइब्रेरी बुक इन इंटैक्ट, नो क्लेम आफ्टर दैट। चेक करके लाइब्रेरी बुक को लीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कोई भी खट्टी वट्टी होती है तो उसको मत लीजिएगा। नेक्स्ट बात आती है, बुक कैन बी इशूड ओनली टू दोज स्टूडेंट हैविंग लाइब्रेरी कार्ड एंड आईडी कार्ड।
बुक सिर्फ उन्हीं बच्चों को ऐसी होगी जिनके पास या तो लाइब्रेरी कार्ड होगा या तो आईडी कार्ड होगा। आप लोगों के पास आईडी कार्ड मिल जाएगा, आप लोगों को बहुत नवंबर में मिल जाएगा। अभी नहीं है तो आप लोग यहाँ से देख के आप लोग लाइब्रेरी कार्ड बनवा सकते हैं वहाँ पर जाके। एनी डैमेज राइट नेम और मार्क एनीथिंग बुक यू हैव टू पे बुक कॉस्ट। यदि आप कुछ बुक में लिखते हैं अपना नाम वगैरह डैमेज होती है तो उसका आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, बुक को कुछ मत करिएगा, ठीक है। ये थी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस। इसके बाद देखिए आप जाएंगे आपके, ये देखिए ऊपर थ्री लाइन्स है, इस लाइन्स पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा और ये सर्च बुक का ऑप्शन मिल जाएगा, माई फेवरेट बुक रिजल्ट, माई हिस्ट्री, माई प्रोफाइल, लॉग आउट। आप यहाँ पर देखिए सर्च बुक पे जाएंगे, जैसे आप सर्च बुक पे जाएंगे ऐसा ऑप्शन आएगा आपके सामने। यहाँ पर आप फाइव टाइप से आप अपने बुक्स को सर्च कर सकते हैं, टाइटल डाल के भी सर्च कर सकते हैं, ऑथर यानी बुक के राइटर कौन है उनका नाम डाल के, सब्जेक्ट सब्जेक्ट डाल के भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हम सब्जेक्ट डाल के सर्च करते हैं, आप हिंदी की बुक सर्च करते हैं, देखिए हमने हिंदी टाइप कर दिया, बस सर्च पे जाएंगे ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे आप लोगों के सामने। आप यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, आप ऐड टू फेवरेट भी कर सकते हैं, मतलब ऐड टू फेवरेट कर देंगे तो आपके फेवरेट में सेव हो जाएगी और आपको जब जरूरत पड़ेगी मिल जाएगी। और अगर आपको तुरंत बुक लेना है तो आप यहाँ से रिजर्व करेंगे, जैसे ही रिजर्व करेंगे आपकी देखिए इस वाले पोर्टल पे यहाँ पर आपका जो बुक रिजर्व है यहाँ पर सेक्शन आ जाएगा और बुक रिजर्व हो जाएगी आपको। आप लाइब्रेरी पे जाइए और यहाँ से रिजर्व जो आपका ये देखिए अकाउंट नंबर है उसको बताइए और बुक को ले लीजिए। ये था स्टेप बाय स्टेप लाइब्रेरी से बुक कैसे हो लेंगे उसका प्रोसेस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपकी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, हम एक साइबर कैफे से बात कर रहे हैं, जैसे ही बात हो जाती है तो एक न्यू स्कीम लेके आएंगे जिसके तहत मिनिमल चार्जेस पर आप लोगों के स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाए, लेकिन वो आपको सॉफ्ट कॉपी पे ही मिलेगा, आपको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा। तो जैसे ही बात हो जाती है हम आप लोगों को सूचित करेंगे ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म फिल हो सके और आपको यूपी गवर्नमेंट द्वारा स्कॉलरशिप की धनराशि प्राप्त हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, चैनल से जुड़ जाइए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका।